साल था 2017, पहला कदम रखा था इंटीग्रल में। BCA में एडमिशन लिया क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट था। घर पर मोबाइल की और कंप्यूटर की शॉप जो हुआ करती थी। अब कंप्यूटर और मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं ये तो पता था, पर बनाते कैसे हैं नहीं। तो यहीं से एडमिशन होता है BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में। 11th और 12th में कंप्यूटर फील्ड का कोई सब्जेक्ट था नहीं क्योंकि 12th यूपी बोर्ड से करा था। अब यूपी बोर्ड सुनकर समझ लग ही गया होगा मेरी इंग्लिश कैसी रही होगी। फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी के क्लास का, 9 से 4 की क्लास, वो भी सारी की सारी इंग्लिश में। 4 बजते ये लगने लगा था कि BCA तो हमसे होने से रहा। हॉस्टल पहुंचने के बाद यहां तक ये भी सोचने लगे थे एडमिशन का फीस वापस हो जाए तो हम BCA ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट डे कंप्यूटर फंडामेंटल की लैब थी। ये था मेरे लिए टर्निंग पॉइंट, जहां पर मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक नहीं पता था। घर पे मोबाइल की शॉप होने की वजह से मेरा कंप्यूटर फंडामेंटल अच्छा था। फिर लगा ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अब कहने को क्लास में जितने लोग थे सारे फ्रेंड थे, पर सबका अपना अपना एक ग्रुप बन चुका था अपने अपने फ्रेंड्स का, जिनमें हमारा भी एक ग्रुप बना, जिनके साथ अब वो बोरिंग क्लासेस भी इंटरटेनिंग लगने लगे थे। अब इस ग्रुप में किसी के भी बर्थडे, मतलब उसको बर्थडे बॉम्ब के नाम पे उसको कूटने का, साथ में पार्टी का इंतजाम। क्लास के साथ साथ ये पार्टीज करते करते फर्स्ट ईयर कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब साल था 2018, ईयर था सेकंड। यूट्यूब का अब ये वो दौर था जब भुवन बाम, अमित बड़ाना, राउंड टू हेल जैसे यूट्यूबर्स की वीडियोस खूब वायरल हुआ करती थी। इन लोगों को देखते हुए हम लोगों ने भी यूट्यूब चैनल बनाया और वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। वीडियोस ठीक ठाक बनने लगी थी, पर क्लासेस के साथ में वीडियोस के लिए टाइम निकालना मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो यहीं पे कुछ वीडियोस बनाने के बाद वीडियो बनाना छोड़ दिया। एग्जाम पास करने के लिए मानो मूल मंत्र मिल गया था हम लोगों को। टीचर जो पूरा सेमेस्टर लगाते थे सिलेबस खत्म करने में, वहीं ये दोस्त एग्जाम के एक रात पहले ही पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया करते थे। एक दिन एक टेलीग्राम से लिंक मिला कि यूडमी पे एक कोर्स फ्री मिल रहा है वेब डेवलपमेंट का। इनरोल किया, कोर्स इंटरेस्टिंग लगा, 3 महीने के अंदर ये कोर्स खत्म किया, जिसके अंदर हमने HTML CSS JavaScript खत्म करी। अब स्टैटिक वेबसाइट्स बनानी आ चुकी थी, अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया और साथ में कुछ फ्री और प्रोजेक्ट भी किए। यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट होता था 3 दिन का, जिसका नाम था फिएस्टा। हर इंटीग्रलाइट्स के लिए ये 3 दिन हरियाली हुआ करती थी, जिनमें दिन में कई सारे स्पोर्ट्स, रात में इवेंट्स। तो हम कभी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते थे तो कभी पार्टिसिपेट करते थे, पार्टिसिपेट कम ऑर्गेनाइज ज्यादा कराते थे, जिनमें मेरा पबजी का इवेंट फिक्स था, हर साल कराते थे। अब आ चुका था 3rd ईयर में। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन किया वेब डेवलपमेंट का, पाइथन में डिजाइन को, सॉफ्टप्रो इंडिया में। 3 महीने ही पूरा हुए थे ट्रेनिंग के कि लॉकडाउन लग गया। अब डेट थी 25 मार्च 2020, पूरा देश में लॉकडाउन लग चुका था। लगा कुछ दिन के लिए रेस्ट मिल गया, मजा आएगा, पर जब लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता गया फिर स्टार्ट हुआ ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला। पूरा दिन रात जूम और ILI पर निकलने लगा। ILI जिस पर हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट होते थे। जब भी टीचर का मन होता था, दिन हो या रात, क्लास या एग्जाम शेड्यूल कर देते थे। एक दिन इन ऑनलाइन क्लास और असाइनमेंट से तंग आकर एक रोस्ट की वीडियो बनाई, जिसमें इंटीग्रल और इंटीग्रल के टीचर्स को फनी वे में रोस्ट किया। तो हम फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेल आया हुआ है। योर टीचर्स हैव पुट इनक्रेडिबल एफर्ट टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन लर्निंग ड्यूरिंग COVID-19 ग्लोबल क्राइसिस ऑनलाइन क्लासेस। इनक्रेडिबल एफर्ट और उसी पुराने चैनलों पर अपलोड कर दिया। और ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि सारे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में फैल चुका था। और ये वीडियो वायरल होने का अंदाजा जब लगा जब कुछ लोग हम ही को हमारा ही वीडियो भेज करके बोल रहे हैं, भाई देख किसी ने कितनी अच्छी वीडियो बनाई, क्योंकि उसमें हमारा फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ वॉइस थी। फिर मैंने बैक टू बैक 3 वीडियो बनाई, तीनों वीडियो काफी अच्छी गई। अब सब्सक्राइबर भी बढ़ करके 43K हो चुके थे। अब जैसे तैसे करके लॉकडाउन में ऑनलाइन ही ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था। लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ था। जो हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, वो गाउन पहन करके टोपी उछालने वाली, वो सपना सपना ही रह गया। अब साल था 21, MCA में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर ऑनलाइन निकला, सेकंड ईयर ऑफलाइन। अब BCA वाले कुछ ही फ्रेंड बचे थे जो MCA में एडमिशन लिए थे। इन सब चीजों के बीच में मैंने एक चीज जरूर नोटिस करा था, मेरे जितने क्लोज फ्रेंड थे ये घूमने में बहुत ही आगे थे मेरे ही तरह। हमारे प्लान सिर्फ बनते नहीं थे, सक्सेस भी होते थे। कभी कभी बात भी नहीं होती थी, रैंडमली अगर हम लोग की छुट्टी है 3 दिन की 4 दिन की तो हम लोग निकल लिया करते थे, कभी नेपाल तो कभी नैनीताल तो कभी कानपुर। अब बारी थी प्लेसमेंट की। एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू IT बेस्ड दुबई की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट भी हुआ, ऑफर लेटर हाथ में, ज्वाइनिंग 1st July। सो हेलो गाइस, तो क्या कहानी है इसके पीछे कि मैं हैदराबाद में इस टाइम पे क्यों हूँ, यही सारी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाट द रीजन व्हाई आई केम हैदराबाद एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हियर।